उत्तराखंड के जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार और शासन सक्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में शनिवार को समीक्षा की तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में। वन मंत्री उनियाल ने वन मुख्यालय के मंथन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि वनाग्नि प्रबंधन समितियों से वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को भी जोड़ा जाए, इससे उनकी भागीदारी भी वनों में अग्नि नियंत्रण में हो सकेगी। राज्य में अभी तक 415 वनाग्नि प्रबंधन समितियां गठित की जा चुकी है। उन्होंने वनों को आग से बचाने में व्यापक जन सहयोग की जरूरत भी बताई और जनता से इसके लिए आगे आने का आह्वान किया। उधर राज्य में बढ़ती अग्नि दुर्घटनाओं को देखते हुए वन विभाग में सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। शासन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। वन मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में वन मंत्री ने राज्य में वनों में हुई आग की घटनाओं का ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि सभी डीएफओ को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि कहीं भी आग की घटना सामने आने पर वे स्वयं मौके पर जाकर इस पर नियंत्रण सुनिश्चित कराएं। इसमें किसी प्रकार की कोताही सहन नहीं होगी। अग्नि नियंत्रण के लिए सभी प्रभागों को बजट जारी किया गया है। मानव संसाधन में वृद्धि के मद्देनजर अब तक 3983 फायर वॉचर भी तैनात कर दिए गए हैं। अग्नि नियंत्रण के लिए सेना से बात की गई है। जरूरत पड़ने पर सेना की मदद ली जाएगी। तापमान बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में वनों में आग की घटनाएं बढ़ सकती है। इसे देखते हुए शासन भी स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में शासन ने वन विभाग के सभी कार्मिकों की छुट्टियां रद्द कर दी। इस संबंध में प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि केवल विशेष परिस्थिति में ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अग्नि नियंत्रण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही अति संवेदनशील और संवेदनशील वन प्रभागों के प्रत्येक क्रू स्टेशन में आवश्यक उपकरणों समेत कार्मिकों की टीमें 24 घंटे सातों दिन तैनात रहेगी। विभाग को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि मानव संसाधन और उपकरण में कहीं कोई कमी न आए। आदेश में अग्नि नियंत्रण और प्रबंधन में जन समुदाय का सक्रिय सहयोग लेने और जन जागरण के लिए विद्यार्थियों का सहयोग लेने को कहा गया है।